Hey guys, welcome or welcome back to my channel, The Art Bird. I am Jia here. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ओम डॉट मंडल आर्ट. मैंने पहले भी आप लोग के साथ डॉट मंडल शेयर करे हुए हैं, उन पर आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, लेकिन ये वाला डिफरेंट होगा क्योंकि ये मैंने MDF बोर्ड पर बनाया हुआ है. ये 12 इंच का MDF बोर्ड है. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अगर मेरे जो पुराने डॉट मंडल नहीं देखे तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. यहाँ पे मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये डॉट मंडल को क्रिएट करने में. तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं MDF बोर्ड लूँगी. ये 12 इंच का MDF बोर्ड है और ये मैंने रिसेंटली परचेस करा हुआ है Amazon से. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको परचेस करना हो तो कर लीजिएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. और यहाँ पे मैं फ्लैश के कलर यूज़ कर रही हूँ, इसका भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ये टूल भी मैंने परचेस करे हैं Amazon से, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा. और यहाँ पर मैं ये पोरिंग मीडियम ले रही हूँ, इसको कलर में मिक्स करते हैं ताकि जो डॉट क्रिएट करते हैं उसमें कोई भी क्रैक ना हो, तो उसके लिए इसको यूज़ करा जाता है. मैं आपको आगे बताऊँगी. यहाँ पर मैं वार्निश यूज़ कर रही हूँ, ग्लॉस वार्निश. यहाँ पर मैं कलर ट्रे ले रही हूँ, इसमें नए कलर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर. और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में फैब्रिकल कलर यूज़ करूँगी, इसको मैं बैकग्राउंड में ब्लैक कलर पेंट करूँगी. मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि मैंने इसको CD पे पेंट करा था डॉट मंडल में, तो पूरा ख़राब हो गया था. तो यहाँ पे मैं MDF बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चार सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, मेटल, वुड और टेराकोटा और सीमेंट पे इसको यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक पे वर्क नहीं करता है तो इसलिए आप इसका यूज़ ना करें प्लास्टिक पे. यहाँ पे फ्लैट ब्रश लूँगी मैं, इससे पेंट करेंगे. एक टिश्यू पेपर लेना होगा, इससे टूल को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टिश्यू पेपर या कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने MDF बोर्ड को पेंट कर लेती हूँ. आपको जो भी मटेरियल पता करना होगा मैंने कहाँ से लिया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक आपको मिल जाएगा साइट्स का, मैंने कहाँ से परचेस करा हुआ है. यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे MDF बोर्ड को ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी और कम्प्लीटली पेंट करने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी. आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. लाइन वाइज जो कलर यूज़ करूँगी उस कलर को मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. और अगर आपको तो भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो मेरे आर्टवर्क से रिलेटेड, तो आप मुझे
डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पे जो मैं डॉट क्रिएट कर रही हूँ उसको क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आपको टूल को कलर में डिप करना है, फिर MDF बोर्ड पे टैप करना है और आपको ये जो मैंने सर्कल जो लाइन बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग ही डॉट क्रिएट करने पास पास। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा मेरा टूल ले रही हूँ छोटा वाला, उससे मैं ये डॉट क्रिएट कर रही हूँ सेंटर्स में। जैसा मैं कर रही हूँ आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं बीच बीच में आपको टिप्स दूंगी जो कि आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो जैसा मैं बना रही हूँ आप मुझे फॉलो करते जाइए, बीच बीच में जो मुझे लगेगा आपको टिप्स देनी है, इंपॉर्टेंट टिप्स, वो मैं आपको देती जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे गोल्डन येलो कलर लूँगी, ये जो है थोड़ा डार्क कलर है येलो से और ऑरेंज से थोड़ा लाइट है। तो अगर आपके पास ये कलर ना हो तो आप इसको बना सकते हैं, येलो कलर में थोड़ा सा ऑरेंज ऐड करिएगा लाइट। मैंने आपको एक चीज़ एंड सर्कल में
पूरा ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसके बाद जो मैंने इंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करी थी पेंसिल से, उसको मैं इरेजर की हेल्प से क्लीन करूँगी। यहाँ पूरी क्लीन हो चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश का अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। मैंने वार्निश की वीडियो शेयर करी हुई है कैसे अपने आर्टवर्क को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो मैंने है ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज करा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट कोट करूँगी और फिर ड्राई होने के बाद सेकेंड कोट करूँगी। यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करना है, पहले जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद आप अप्लाई करेगा। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।